वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज़ सिमरन और आज के वीडियो में गाइज हम बात करेंगे कि सरोजिनी नगर में जो कपड़े मिलते हैं वो यूज हैं या नहीं, या फिर वो कपड़े हमें इतने सस्ते क्यों मिलते हैं, क्यों है सरोजिनी नगर दिल्ली का चीपेस्ट मार्केट, क्यों है वो हर लड़की का शॉपिंग डेस्टिनेशन, और ऐसी क्या बात है सरोजिनी नगर में कि सब लोग वहीं पर जाना चाहते हैं और इतना सस्ता क्यों मिलता है, क्या वो कपड़े चोरी के हैं या फिर वो यूज़ किए हुए हैं। तो इन्हीं सभी क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, ऐसे बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुझसे वीडियो में क्वेश्चन पूछे हैं कि तो सरोजिनी नगर में कपड़े मिलते हैं वो यूज है क्या, क्या उन्हें कोई पहले यूज कर चुका है, या फिर वो कहाँ से आते हैं, हमें इतने सस्ते क्यों मिलते हैं। एक्चुअली लोगों को यकीन ही नहीं होता कि हम 10 रुपए में भी सरोजिनी नगर से कपड़े खरीद सकते हैं। उन लोगों के दिमाग में सिर्फ एक यही क्वेश्चन रहता है कि इतने सस्ते क्यों हैं ये कपड़े। तो गाइस, सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि वो कपड़े इतने सस्ते क्यों हैं। बेसिकली होता क्या है कि कुछ जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं जैसे लाइक फॉरएवर 21, H&M और भी बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड जो कि अपने कपड़े बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हैं हमारे लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको, अपना डिज़ाइन देते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें ये इतने अमाउंट में ये वाला कपड़ा चाहिए, आप हमारे लिए इतनी क्वांटिटी कपड़े की बना दीजिए। हाँ, पर जो ये कंपनीज होती हैं इनका एक रूल है कि ये लोग करते हैं क्वालिटी चेक, कपड़ा कैसा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं, सारे थ्रेड सही है या नहीं, बटन सही जगह पे है या नहीं। सो गाइस, ये लोग क्या करते हैं कंपनीज की, ये कोई भी एक सिलेक्टेड पीस निकाल लेंगे सारे बल्क में जो कपड़े आए हैं बन के मैन्युफैक्चरर से, तो वो चेक करेंगे, अगर उस एक कपड़े में कोई भी खराबी निकल जाती है तो वो पूरा जितना भी बल्क में क्लॉथ आया है एक मैन्युफैक्चरर से वो पूरा रिजेक्ट हो जाता है। तो बेसिकली होता क्या है कि वो कंपनी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। अब मैन्युफैक्चरर्स इतनी दूर दूर से वो कपड़े बेचने के लिए लाते हैं तो वो क्या करते हैं, कुछ उनमें से मैन्युफैक्चरर ऐसे होते हैं कि जो उन कपड़ों को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं, और कुछ मैन्युफैक्चरर्स ऐसे होते हैं जो उन कपड़ों को बल्क में बेच देते हैं लाइक किलो के भाव में। तो जितने भी आपको वेंडर्स मिलेंगे सरोजिनी नगर में वो सब जितने भी बंदे हैं उन सब ने वो कपड़े किलो के भाव में खरीदे हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो मैन्युफैक्चरर जैसे छोड़ के चला गया तो वो बंदे जाते हैं और उसको वहाँ से चुरा कर ले आते हैं। तो कुछ लोगों को तो मिलते हैं ये फ्री में और किसी किसी को ये मिलते हैं लाइक किलो के भाव में। तो गाइस, जो कपड़े हम 100 या 200 रुपए के सरोजिनी से खरीदते हैं वो मुश्किल से उन्हें 10 या 20 रुपए पर पीस पड़ता है, इसीलिए वो लोग हमें इतने सस्ते में वो कपड़े दे पाते हैं। सो गाइस, जो दूसरा रीजन है वो है कस्टम सीज्ड गुड्स। कस्टम में कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो ड्यूटीज ना पे होने की वजह से या फिर बहुत सारे रीजंस की वजह से कस्टम उन्हें सीज कर देता है और वो प्रोडक्ट इलीगली बिक जाते हैं। तो ये लोग वेंडर्स से वहाँ से खरीद लेते हैं इन इलीगल वे और उन्हें आके ऐसे मार्केट्स में बेच देते हैं, तो इसलिए भी वो कपड़े हमें बहुत सस्ते मिलते हैं। सो ये था जवाब गाइस इस बात का कि सरोजिनी नगर में इतने सस्ते कपड़े क्यों मिलते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन ये है कि क्या सरोजिनी नगर में यूज करे हुए कपड़े मिलते हैं। तो गाइस, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, बट कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो कि यूज्ड होते हैं, यू कैन कॉल देम प्री लव, मतलब उन कपड़ों का कोई पहले मालिक था, दे आर प्री ओन्ड बिफोर। सो अगर आप देखें वहाँ पर कपड़े ध्यान से तो आपको पता चल जाएगा कि कपड़ा यूज है या फिर यूज नहीं है। कुछ कपड़ों की शक्ल आपको ऐसी लगेगी देखने में कि वो थोड़े गंदे हैं, बट एक्चुअली वो गंदे इसलिए होते हैं कि वहाँ पे जितने भी वेंडर्स होते हैं वो कपड़े पाइल्स में रखते हैं, वो उनका बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, ऐसे ही बोरी में भरे और उन्होंने ट्रक में उसको डाल दिया। उन्हें कोई मतलब नहीं कि वो कपड़ा गंदा हो रहा है अच्छा हो रहा है, महीनों तक वो वही रोड पर टंगा रहता है, वो लोग दिन में वहीं पर टांग के रखते हैं कपड़े और शाम को बोरी में भर देते हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि वहाँ पर हाइजीन का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता, कोई क्लीनलीनेस नहीं है कपड़ों की, तो कपड़ों का गंदा होना जायज़ है एंड एक बहुत सिंपल रीज़न है कपड़ों के गंदे होने। तो गाइस, हम लोग इतने मैच्योर इतने एक्सपीरियंस तो होते हैं कि हमें पता चल जाए कि कपड़ा गंदा है या फिर यूज्ड भी है। सो यूज्ड कपड़ों का कैसे पता लगाएं आप लोग सोच रहे होंगे। सो गाइस, सबसे बड़ी बात है आप उसकी सिलाई चेक कीजिए, अंदर से जब सिलाई जो होती है इंटरलॉकिंग होती है उसकी शक्ल देखकर आप बता सकते हैं कि वो कपड़ा नया है या फिर वो किसी ने ऑलरेडी पहना हुआ है। वो बहुत रफ हो जाती है अंदर से और कपड़े के अंदर आपको हल्के हल्के रुएं मिलेंगे, वो रुएं इसी वजह से होते हैं। जब कपड़े एक दूसरे के साथ ऐसे रगड़ खाते हैं तो भी उनमें रुएं बन जाते हैं, लेकिन जो पहने हुए कपड़े में रुएं आते हैं वो थोड़े गंदे होते हैं और ब्लैक कलर में होते हैं, उनका आप साफ पता लगा सकते हैं कि कपड़े पहने हुए हैं या नहीं। सो इतना एक्सपीरियंस हम सबको होता है कि हम पहचान सके कपड़े नए हैं पुराने हैं। कुछ कपड़े इनमें से चोरी के होते हैं, जैसे पुराने लोगों के पहने हुए होते हैं तो वो लोग बेच देते हैं, तो वो कपड़े भी वहाँ पर आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है गाइस इस चीज़ का कि आप कोई ऐसे कपड़े ना खरीदें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं खरीदने में तो इट्स ओके, इट्स परफेक्टली फाइन, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप सेटिस्फाइड हैं उस चीज़ से। लेकिन गाइज, अगर आप कुछ भी सरोजिनी नगर से खरीदते हैं तो उसे डेटॉल में ज़रूर धो ले घर पे लाके, वो इसलिए क्योंकि वो लोग थोड़ा गंदगी रखते हैं और आप अगर गंदे कपड़े पहनेंगे तो उसमें थोड़े बैक्टीरिया भी होते हैं तो आपकी हेल्थ को भी इफेक्ट करते हैं। सो गाइज, अब क्वेश्चन है कि मंडे मार्केट में 10 रुपए के कपड़े मिल कैसे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है सबको बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए हैं यूट्यूब
पे कि 10 रुपए में कपड़े मिल कैसे गए। गाइस इसका आंसर ये है कि 10 रुपए में कपड़े वो इसलिए मिलते हैं क्योंकि बेसिकली वो जो कपड़े होते हैं, मैंने आपको दो तरह के मैन्युफैक्चरर्स बताए, जो किलो के भाव में बेच देते हैं और दूसरे जो छोड़कर चले जाते हैं। जो कपड़े वहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं उन कपड़ों को जो लोग चोरी करते हैं, वो चोरी करने वाले लोग ही उन कपड़ों को बहुत सस्ते में बेचते हैं। उनमें से दूसरे टाइप के कपड़े ऐसे होते हैं 10 रुपए वाली रेंज में कि जो कपड़े बिल्कुल डिफेक्टेड थे और उनको रिजेक्ट कर दिया गया बड़े ब्रांड्स ने। तो 10 रुपए वाले जो कपड़े होते हैं उनमें आपको कुछ कपड़े ऐसे मिलेंगे थोड़े से डिफेक्टेड होंगे, इसलिए भी वो सस्ते होते हैं। वो डिफेक्टेड क्यों होते हैं गाइस? इसलिए नहीं कि वो पहने हुए होते हैं, इसलिए कि बड़े जो ब्रांड्स होते हैं अगर उन्हें थोड़ा सा भी डिफेक्ट मिलता है किसी कपड़े में तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। अब उनमें से जिसमें कम डिफेक्ट होता है, लाइक थोड़ी सी सिलाई छूटी हुई है या फिर बटन नहीं है, तो वो जो जितना भी वो सामान है वो हमें मिलता है 100 से 200 रुपए के बीच में। लेकिन कुछ सामान ऐसा होता है जिसमें छेद होता है, छेद हुआ कपड़ा अलग अलग टाइप से हो गया, सिलाई ऊपर नीचे हो गई, 4 बटन है लेकिन लूप्स 4 नहीं दिए हैं, तो तब क्या होता है, वो जो कुछ कपड़े होते हैं जिनमें कुछ छेद होता है कहीं से फटे हुए होते हैं तो वो कपड़े बिल्कुल रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो उनमें से कुछ कपड़े ये 10 रुपीज वाले जो बंदे होते हैं वो रख लेते हैं और जो बाकी बचे हुए कपड़े होते हैं वो कुछ नॉर्मल जो स्टॉल्स लगे हुए हैं उन पर बेचे जाते हैं, इसलिए कपड़े हमको इतने सस्ते मिलते हैं। और गंदे वो कपड़े बिल्कुल होंगे क्योंकि मंडे को ऑफिशियली क्या होता है कि मार्केट बंद रहता है, तो उसी दिन ये लोग अपना जितना भी बचा हुआ माल होता है वो सब निकालते हैं, क्योंकि इस टाइम क्या होता है कि बेसिकली कुछ नया माल भी मार्केट में आया होता है तो जितना भी एक्स्ट्रा या फिर इनका पुराना बचा हुआ माल होता है लोग सब ऐसे ही निकाल देते हैं 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये। वही बात यूज कपड़ों की गाइस, 10 रुपये वाले कपड़े ज़रूरी नहीं है कि यूज हो, उनमें से कुछ अगर यूज होंगे तो आपको पता चल जाएगा, आपको ध्यान रखना है उस बात का। सो आई थिंक मुझे लगता है गाइस कि मैंने आपको हर एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन दे दी है इस वीडियो में। सो थोड़ी सी सरोजिनी नगर के बारे में भी बात कर लेते हैं कि वहाँ पर बार्गेन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बेसिकली वहाँ पर बार्गेन करना चाहिए क्योंकि उन लोगों को बहुत सस्ता मिलता है, तो अगर हम कुछ कपड़े और थोड़ा सस्ते में ले सकते हैं तो बार्गेन करना ज़रूरी है। और वहाँ पे आपको हर एक वैरायटी मिल जाएगी, जो भी आप चाहते हैं सारे ब्रांड्स मिल जाते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप फिर डिफेक्टेड कपड़े ना खरीदें। ऐसे डिफेक्टेड कपड़े खरीद सकते हैं जिन्हें आप ठीक कर सकते हैं, लाइक बटन नहीं है सिलाई नहीं है, तो अगर आप उसको मेंड कर सकते हैं घर पे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद भी अगर आपके कुछ क्वेश्चन या फिर क्वेरीज हैं तो प्लीज़ मुझसे कमेंट में पूछिए, मैं आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगी। सो गाइस हिंदी में मेरा सेकंड वीडियो है और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक दीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ऑल्सो उस बेल बटन को भी क्लिक कर देना सो दैट यू कैन बी नोटिफाइड फॉर माई फ्यूचर अपलोड्स। ऑल्सो गाइस अगर आप चाहते हैं मैं हिंदी में और ढेर सारी वीडियोज़ बनाऊँ, ऐसे ही कुछ वीडियोज़ लेकर आऊँ जिनमें आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर हो, तो प्लीज़ कॉमेंट में मुझे बताइए एंड आई विल डेफिनेटली डू दैट। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट वन।